सर्वे और क्वेश्चनेयर की बात हो रही थी, जहाँ पे हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट को या जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में, कि जब भी आप एक क्वेश्चनेयर को बना रहे हैं, एक सर्वे को बना रहे हैं किसी भी मार्केटिंग रिसर्च के लिए, तो उस सर्वे में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपका जो क्वेश्चनेयर है वो सबसे ज्यादा उमदा बने और उसमें कोई भी कमी नहीं हो। देखो, आज हम बातें करेंगे कुछ और चीज़ों की जो हमें सर्वे और क्वेश्चनेयर बनाते हुए ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी सर्वे या क्वेश्चनेयर को बना रहे हो तो आपको एक फिल्टर क्वेश्चन रखना पड़ता है। जी हाँ, क्वेश्चन नहीं, अब हम धीरे धीरे सही अंग्रेजी भी सीख रहे हैं तो सही प्रोनाउंसिएशन भी हमें धीरे धीरे सीखना है, ताकि आप मुझे या अपने आप पिन पॉइंट कर सके या अपने आप पिक कर सके कि इस शब्द का क्या सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। पहला सवाल किसी भी सर्वे में हमेशा और हमेशा इंट्रोडक्टरी होता है, इनएबिलिटी टू आंसर। इनएबिलिटी टू आंसर का मतलब यहाँ से सिर्फ इतना सा है कि आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं बनाना है जो बहुत मुश्किल हो या उसमें कुछ ऐसे शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो, किसी को आसानी से समझ में ना आए और इस वजह से वो आपके सर्वे या क्वेश्चनेयर में सही से जवाब भी अपने ना दे पाए, जबकि वो देना चाहते थे, उनको मजा आ रहा था आपका सर्वे या क्वेश्चनेयर भरने का। जैसे मान लो आपने एक सवाल रख दिया, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना कि हाउ मेनी गैलन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक डू यू कंज्यूम एवरी वीक। अब ये गैलन जो आपने रख दिया ना, ये मोटा सा शब्द, इसमें बहुत सारे रिस्पोंडेंट तो यही नहीं समझ पाएंगे कि गैलन का क्या मतलब है। हम नापते थोड़े ना हैं जितना सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, हमने कभी भी इस तरीके से नापा नहीं है, तो क्या बताएं कि एक हफ्ते में हम कितना सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं, हम क्या जवाब लिखें यहाँ पे। तो इस तरीके का अगर आप सवाल पूछोगे जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं मोटे मोटे, चाहे वो अंग्रेजी के हैं चाहे वो किसी यूनिट की आप बात कर रहे हो, जो जनरली हम लोग नहीं करते हैं, हम जब पानी पीते हैं तो हम नापते नहीं हैं दिन में कितना पानी पी रहे हैं, या हम सॉफ्ट ड्रिंक जब पीते हैं, हम चाय जब पीते हैं कितना लीटर बन रहा है, कितना मिली लीटर बन रहा है, हम यूनिट्स कभी भी नाप तोल के नहीं रखते या पीते हैं अपने आमतौर की ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी हमें काफ़ी आसान है, ऐसे ऐसे शब्द रख के आपको अपने सर्वे या क्वेश्चन में उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपको लोगों को जो आपका सर्वे और क्वेश्चन है भरने वाले हैं उनकी ज़िंदगी को भी आसान करना है, आसान आसान सवाल पूछ के, आसान भाषा में पूछ के। अब इसी सवाल को आप आसान भाषा में कैसे पूछ सकते हो, इसका जवाब है, अब आपको सवाल को ऐसे बनाना है, ध्यान से सुनना। सही सवाल इस तरीके से बनेगा, हाउ ऑफन डू यू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक इन अ वीक। एक हफ्ते में आप कितने ऑफन सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। अब इसके सही तरीके के ऑप्शंस आप किस तरीके से रखोगे, इसके सही ऑप्शंस किस तरीके से रखने हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन आपको रखना है सवाल का, लेस देन वंस अ वीक। जी हाँ, ये पहला ऑप्शन रखना है। दूसरा ऑप्शन आपको रखना है 1 to 3 times per week। तीसरा ऑप्शन रखना है आपको 4 to 6 times per week। चौथा ऑप्शन रखना है आपको 7 or more times per week। इस तरीके के आपको ऑप्शंस रखने हैं सवाल के साथ, और यही सही सवाल होगा, यही सही भाषा, सरल भाषा होगी, आसान भाषा होगी, जो कोई भी रिस्पोंडेंट जो भी आपका सर्वे या क्वेश्चन है पढ़ने की कोशिश कर रहा है या भरने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि आप भी चाहते हो कि वो आपके सर्वे क्वेश्चन का जवाब दे, और वो भी चाहता है कि वो भी जवाब दे। तो इस तरीके के सरल सवाल और इस तरीके के सरल ऑप्शंस आपको अपने क्वेश्चन है और सर्वे में रखने हैं। दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगी, सर्वे और क्वेश्चन है बनाते हुए आप दो तरीके के से सवाल रख सकते हो। पहला होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो किसी भी रिस्पोंडेंट से जो आपका सर्वे क्वेश्चन है भरेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जिसका आप बहुत बड़ा सा जवाब अपने हिसाब से दे सकते हो, मतलब 4-5 लाइनों में भी दे सकते हो, एक पैरा में लिख सकते हो, जिसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब नहीं देना है, या कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है जिसमें से आपको किसी एक को टिक करना है। अब हम दो एग्जांपल देख लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के। पहला है कि हु इज योर फेवरेट एक्टर,
ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है, इसमें आप जो भी जैसे भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, चार पांच लाइनों में भी लिख सकते हो, एक पैरा में भी भर सकते हो सवाल का जवाब कि हु इज योर फेवरेट एक्टर। दूसरा एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, ये सवाल भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप तीन चार लाइनों में दे सकते हो आराम से, यहाँ पे कोई हाँ या ना में, येस और नो में जवाब नहीं देना है या डू नॉट नो में जवाब नहीं देना है, या कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है जिसमें से एक दो या सारे के सारे मल्टीपल चॉइस आपको टिक करने हैं। इसी तरीके के सवाल जो ओपन एंडेड होते हैं या जिनको अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है, उनका मतलब यही होता है जिसमें आप बड़े बड़े जवाब अपने तरफ से बना के लिख सकते हो, उसमें कोई टू द पॉइंट जवाब आपको नहीं मिलते हैं, यह मतलब है कि येस और नो वाले नहीं होंगे या डू नॉट नो वाले नहीं होंगे, कोई मल्टीपल चॉइस भी नहीं होंगे, ये सारे के सारे जो मल्टीपल चॉइस है या डू नॉट नो येस और नो है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आते हैं। जी हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दूसरे तरीके की एक और कैटेगरी होती है जो आप इस तरीके के सवाल रख सकते हो अपने सर्वे में। इसी सीरीज को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी कुछ और आगे आने वाले मेरे वीडियोस में, और आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल के साथ पता चलेगा कि किस किस तरीके के कैसे कैसे सवाल आप जब भी सर्वे या क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको रखना है, किस किस सवाल में क्या क्या गलतियां आप करते हैं। अब इन वीडियोस को देखने के बाद आप वो गलतियां अपने सर्वे या क्वेश्चन में नहीं दोहराने वाले हैं, मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है आपको, और आप जितने भी सर्वे और क्वेश्चन बनाने वाले हैं अपनी कंपनी अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाने वाले हैं वीडियोस को देखने के बाद, वीडियोस को फॉलो करने के बाद। इसके अलावा भी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनको अभी हमें लेना है, बातचीत करनी है, निरंतर मैं इसी तरीके से आती रहूंगी, आपसे बातें करती रहूंगी, आपको मदद करती रहूंगी। इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोच करूं, गाइड करूं, मेंटर करूं या ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बस आपको वो टॉपिक लिखना है, मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचूं और आपके एम्प्लॉयज़ को यानी कि एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, सेल्स से लेकर के एम्प्लॉयज़ और सीईओज़ को कोच करूं, काउंसिल करूं, ट्रेन करूं, मेंटर करूं या गाइड करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपके बैक टू बैक सेशंस आ रहे हैं मेरे पास, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट आ रहे हैं मेरे पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओस के लोग भी आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्कूल में काम करते हैं, आप में से बहुत सारे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जिनको मुझसे मार्केटिंग रिसर्च में यानी कि एक क्वेश्चन है और सर्वे बनाने में गाइडेंस चाहिए, और मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा उत्साह महसूस हो रहा है कि आप लोगों के जो सवाल है मेरे इन वीडियोस को देखने के बाद, उन सवालों के जवाब देते हुए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होती हूँ। मैं या मेरी टीम में से आपके सवालों के कोई ना कोई जरूर जवाब देता है, और इस माध्यम के जरिए हम लोग आपके साथ सेशंस में बैठते हैं। जब आप लोग मेरे साथ सेशंस में आ रहे हैं, वहाँ पे डाउट्स अपने क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि आप सही तरीके से हर चीज समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको काम में लाना, प्रैक्टिस में लाना भी सीख रहे हैं। यही हमारे शास्त्रों ने बहुत हजारों साल पहले सिखाया है, जो हम निरंतर भूलते जा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है, बहुत गलतियां आप लोगों ने कर दी हैं, अब और गलतियां नहीं करनी है। अगर अपने बिजनेस को बचाना है, अपने एजीओ को बचाना है, अपनी फर्म, अपने कंपनी को बचाना है, अपने सेटअप को बचाना है, तो आप सभी को अपने बिजनेस को चलाना, अपने मैनेजमेंट को चलाना सही तरीके से, सही दिशा से और सही दशा से बहुत जरूरी है आज के समय में। बस निरंतर इसी तरीके से आप सेशंस में आते रहिए और सही तरीका, सही दिशा और दशा सीखते रहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कामयाबी छूने से, कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अपने सेक्टर में, आप अपनी इंडस्ट्री में वीडियोस को देखने के बाद, हमारे सेशंस को लेने के बाद टॉप प्लेयर बनने वाले हैं, ये मेरा चैलेंज है आप सबको।